एक तीसरा सूक्ष्म जीव आधारित कीटनाशक है जो कि वायरस आधारित होता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस। ये इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है, मतलब विशेष रूप के कीड़ों पर ही काम करता है, इल्लियों पर ही काम करता है। जैसे तंबाकू की इल्ली के लिए अलग NPV होगा, वायरस होगा, और चने की इल्ली के लिए अलग NPV वायरस होता है। तो इनका उपयोग 250 LE लार्वल इक्विवेलेंट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालेंगे। जबकि इल्लियाँ छोटी रहती हैं तो इनका काफ़ी 70-80% तक नियंत्रण मिलना संभव है। लेकिन जब बड़ी इल्लियाँ हो जाती हैं, आप किसी वजह से ये शुरुआत के ये सब काम नहीं कर पाते हैं, तो बड़ी इल्लियों के कंट्रोल के लिए आपको फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट इंसेक्टिसाइड, संपर्क विष वाले इंसेक्टिसाइड डालना पड़ते हैं, जिसमें कि लेमडा साइलोथ्रिन प्रमुख है, इंडोक्सकार प्रमुख है। ये दोनों अगर डालेंगे तो इनसे तुरंत असर मिलता है, बड़ी इल्लियों पर भी ये प्रभाव करते हैं और इसमें भी 60-70% तक इल्लियाँ मर जाती हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि क्लोर एंट्रानिलिप्रोल बड़ी इल्लियों पर इतना विशेष काम नहीं करता है, इसलिए इनको बड़ी इल्लियों पर न डाल के शुरुआत की अवस्था में अगर डाल दें तो काफ़ी लंबे समय तक इसका असर मिलता है। इसके अलावा एक और ग्रुप का, एक और कैटेगरी का इंसेक्टिसाइड है, जिसमें कि दो इंसेक्टिसाइड मिले हुए हैं। इसमें एक है नोवालुरान, जो कि कीड़ों में त्वचा का निर्माण को बाधित करता है, काइटिन इनहिबिटर बोलते हैं हम उसे। तो नोवालुरान के साथ में आपका इंडोक्सकार मिला हुआ है, जो कि संपर्क विष है, कॉन्ट्रैक्ट इंसेक्टिसाइड है। इनको मिला के अगर डालेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट इंसेक्टिसाइड से इल्लियाँ मरेंगी और नोवालुरान इल्लियों को बढ़ने में, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाने से रोकेगा और इल्लियाँ स्वतः मरने लगेंगी। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले इंसेक्टिसाइड भी डाल सकते हैं। अब कभी कभी समस्या ये आती है कि जब आपकी फसल बड़ी हो जाती है, फलियाँ लगने लगती हैं, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट इंसेक्टिसाइड भी डालने की ज़रूरत पड़ती है और सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड भी डालने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि इल्लियाँ भी लगी रहती हैं, गर्डल बीटल भी लगा रहता है, सफ़ेद मक्खी है, तना मक्खी, इनका भी प्रकोप होने लगता है। तो इन सब के लिए अलग अलग इंसेक्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं है। आजकल विशेष रूप से बाज़ार में और मिश्रण वाले इंसेक्टिसाइड उपलब्ध हैं, जिसमें कि एक कंपोनेंट होता है सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का और दूसरा कंपोनेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट इंसेक्टिसाइड का। इसके उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, बीटा साइफ्लोथ्रिन और इमिडाक्लोप्रिड का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि बीटा साइफ्लोथ्रिन कॉन्ट्रैक्ट इंसेक्टिसाइड है और इमिडाक्लोप्रिड सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। इसका मतलब ये कि अगर इनको डालेंगे आप तो फलियाँ काटने वाली इल्ली, पत्ती काटने वाली इल्लियाँ, रस चूसक कीड़े जैसे सफ़ेद मक्खी है, और इंटरनल बोरर्स जो तने के अंदर पौधे को नुकसान करती हैं, जैसे कि गर्डल बीटल है या तना मक्खी है, इनका भी नियंत्रण होगा। इसी ग्रुप में एक दूसरा इंसेक्टिसाइड है, जिसमें कि लेमडा साइलोथ्रिन कॉन्ट्रैक्ट है और थायोमेथोक्सम सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। ये भी करीब करीब सभी प्रकार के सोयाबीन में लगने वाले कीड़ों के लिए असरकारक होते हैं।